कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे है क्लास। और क्लास सेकेंड आप लोग को साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। ओ सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम अंजलि सानी। ओके, तो क्लास सेकेंड अब आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स में हमें पढ़ना है प्लांट्स के काइंड्स, प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या करना है, प्लांट्स का फर्स्ट है, पहला है बिग प्लांट्स। फर्स्ट क्या है? बिग प्लांट्स। ठीक है, एक फर्स्ट है बिग प्लांट्स। बिग प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रीज। बिग प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ट्रीज। ठीक है, ट्रीज में ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज मतलब पेड़। जैसे कि पेड़ क्या होते हैं? जैसे आम का पेड़ हो गया, और क्या कोकोनट मतलब नारियल का पेड़ हो गया, ये सब क्या पेड़ है? मतलब जो भी आप ट्रीज अपने अगल बगल देखते सब पेड़ ही तो हैं। तो ट्रीज हमें जानना कि बिग ट्रीज क्या होते हैं। तो बिग ट्रीज क्या होते हैं? जो बिग ट्रीज के स्टेम्स होते हैं, मतलब जो बिग ट्रीज के स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं। उनके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं, मतलब दे हैव थिक स्टेम्स। इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं, थिक। दे हैव थिक स्टेम्स। इनकी जो तने होती है क्या? मोटी होती हैं। दे हैव थिक वुडी स्टेम्स, मतलब इनकी तने मोटी होती हैं। उसके बाद देयर रूट्स गो डीप इन टू द अर्थ। इनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के बहुत ही नीचे होती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे सभी पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं, बट इनकी जो जड़ें होती बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं। मीन्स देयर रूट्स गो डीप इन टू द अर्थ। रूट्स गो डीप इन टू द अर्थ। ठीक है, जैसे आप पेड़, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सब क्या? आम का पेड़ है, कोकोनट नारियल का पेड़ है, सतूत है, इन सब की जो जड़ें होती हैं ना, ये बहुत नीचे होती हैं, बहुत मतलब नीचे होती हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से क्या, इनकी स्टेम्स बहुत मोटी होती हैं, इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, इसलिए ये मतलब ये पेड़ मजबूत होते हैं, इसलिए क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ये पेड़ जीवित रहते हैं। जिनकी जड़ें मजबूत रहेंगी वो काफ़ी टाइम तक तो जीवित रहेंगे ना, इसलिए इनके क्या इनके जो काफ़ी टाइम तक ये जीवित रहते हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। दे ग्रो स्ट्रेट अपराइट। ठीक है, दे ग्रो स्ट्रेट अप एंड लिव फॉर लॉन्ग टाइम। दे ग्रो स्ट्रेट अप एंड लिव फॉर लॉन्ग टाइम। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, इसकी वजह से क्या इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से क्या इनके जो वो इनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या ये काफ़ी टाइम तक जीवित रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, कोकोनट पाम ट्री मीन्स नारियल का पेड़। उसके बाद मलबरी, सतूत का पेड़, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है क्लास। तो पहला क्या, प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट क्या, फर्स्ट काइंड क्या है? बिग प्लांट्स मीन्स बड़े पेड़, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं, जिन्हें हम पेड़ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है सेकेंड है मीडियम साइज प्लांट्स। ठीक है, आपको इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे।
ठीक है। सेकंड क्या है, मीडियम साइज्ड प्लांट। मीडियम साइज्ड प्लांट्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या श्रब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रब्स। श्रब्स क्या, जैसे झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स का मीन होता है झाड़ियाँ, ठीक है। मीडियम साइज मतलब ये ना तो ज़्यादा लंबे होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। नाइदर टू टॉल नॉट टू शॉर्ट, ठीक है। और ये क्या, इनके जो मतलब इनके भी जो तने होते हैं वो भी मोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा मोटे मतलब थीन होते हैं, मतलब जैसे पतले होते हैं। इनकी जो तने होती हैं वो पतली होती हैं, ठीक है। और क्या, इनके जो रूट्स होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के नीचे तो है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा जैसे मतलब बिग प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी सतह काफ़ी मतलब पृथ्वी के काफ़ी नीचे होती हैं, पृथ्वी के अंदर काफ़ी नीचे होती हैं उनकी जड़ें। लेकिन मीडियम साइज प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नीचे नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब पृथ्वी के अंदर ज़्यादा नीचे नहीं होती हैं। और ये क्या है, ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। तो पहला है इसमें, दे आर नाइदर टू टॉल नॉर टू शॉर्ट, ठीक। फिर देयर रूट्स डोंट गो डीप इन टू द अर्थ, देयर रूट्स डोंट गो डू नॉट गो वेरी डीप इन टू द अर्थ। एंड थर्ड, दे हैव थिन वुडी स्टेम, ठीक है, हैव थिन वुडी स्टेम्स। मीन्स मीडियम साइज प्लांट्स, नाम से पता चल, बिग ट्रीज क्या, नाम से पता चला था कि वो बड़े पेड़ हैं, बड़े प्लांट्स हैं, ठीक है, बड़े पेड़ पौधे हैं। मीडियम साइज प्लांट, सेकेंड है मीडियम साइज प्लांट, नाम से पता चल रहा है कि ये मीडियम साइज के हैं, मीन्स ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है मीडियम, जो बड़ा होता है वो बिग बोलते हैं, मीडियम साइज हम बोलते हैं ना कि ये तो ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा, इसको मीडियम साइज का है, तो मीन्स वही है कि मतलब ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, मीडियम साइज से पता चल, मीडियम नाम से ही पता चल रहा है कि ये ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं ये पेड़ पौधे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, नाइदर टू टॉल नॉर टू शॉर्ट, ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं ये पेड़ पौधे, ठीक है। रूट्स, इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स मीन्स जड़, इनकी जो जड़ें होती हैं वो अर्थ के मीन्स पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचे नहीं होती। डोंट गो वेरी डीप इन टू द अर्थ, इनकी जो जड़ें होती हैं मतलब मीडियम साइज प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो पृथ्वी के अंदर काफ़ी नीचे तक नहीं होते हैं, ठीक है। दे हैव थिन वुडी स्टेम्स, इनकी जो स्टेम्स, स्टेम्स मीन्स तने, इनके जो तने होते हैं वो क्या बोलते हैं, मोटे नहीं होते, इनके जो तने होते हैं पतले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज गुलाब का पेड़, हिबिस्कस गुड़हल का पेड़, हीना मेहंदी है ये, एटसेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज, गुलाब का पेड़ देखा है ना आप लोगों ने, आपके घर पे है, ठीक है, घर पे होगा ही होगा, सबके घर पे रहता है गुलाब का पेड़ का, देखना उसको, उनकी जो तने होती है ना वो पतली होती हैं, कभी गौर से उसको देखना, देखा ही है आप लोगों ने, उनकी जो तने क्या होती हैं, पतली होती है ना, हाँ उनकी तने पतली होती हैं।
उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी नीचे तक नहीं, उन्हें हम गमले में भी तो उन्हें लगाते हैं, गुलाब का पेड़ और गमले में, और जो बिग ट्रीज होते हैं उन्हें हम गमले में तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के अंदर काफ़ी नीचे तक होती हैं, तो उन्हें तो हम ज़मीन पर ही लगा सकते हैं। ये क्या मीडियम साइज़ के प्लांट्स हम गमले में भी लगाते हैं, ज़मीन पर भी लगा लेते हैं, मोस्टली हम लोग गमले में इनके क्या क्यों गमले में लगा लेते हैं क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी नीचे नहीं जाती हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है। और फिर क्या है, दे हैव थिन बॉडी स्टेम्स, इनके क्या इनके जो तने होते हैं पतले होते हैं, गुलाब के पेड़ की तने देखना पतली होती हैं, उनकी जड़ें काफ़ी नीचे नहीं जाती हैं पृथ्वी के अंदर, और क्या वो ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का पेड़ हो गया, एग्जाम्पल है हीना मेहंदी का पेड़, ठीक। थर्ड है हर्ब्स, थर्ड है वेरी स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। वेरी स्मॉल प्लांट्स क्या होता है बच्चा, वेरी स्मॉल प्लांट्स होता है क्लास, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स मीन्स होता है, उसका मीनिंग है एग्जैक्ट मीनिंग जड़ी बूटी, ठीक है। तो दो हम लोगों ने इसके काइंड्स पढ़े, पहला क्या पढ़ा बिग प्लांट्स, और सेकंड पढ़ा हम लोगों ने मीडियम साइज प्लांट्स। अब थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी स्मॉल प्लांट। नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, मीन्स जड़ी बूटी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि इन्हें हम जड़ी बूटी कहते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स मतलब छोटे, बहुत छोटे पेड़। तो क्या इन नाम से जैसा पता चल रहा है कि ये छोटे पेड़, तो इसका इसमें क्या सीधा इसका मतलब है कि ये स्मॉल सा इनकी जो साइज़ होगी वो स्मॉल होगी, कि ये बहुत छोटे पेड़ हैं इसीलिए क्या ये वेरी स्मॉल, इनका जो साइज़ होता है स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटे होते हैं, इनके साइज़ बहुत छोटा होता है। और क्या दे लीव ओनली फॉर वन सीजन इन अ ईयर, ये सीजनल होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं ना सीजनल होते हैं। दे लीव ओनली वन ईयर, वन सीजन इन अ ईयर, ठीक है। ये सीजनल होते हैं, ये सीजन वाइज होते हैं, मतलब एक साल में इनका एक ही सीजन आता है। और क्या देयर स्टेम्स क्या सॉफ्ट स्लेंडर, इनकी जो स्टेम्स होती है ना वो सॉफ्ट स्लेंडर होती हैं, काफ़ी मुलायम होती हैं इनकी स्टेम्स, सॉफ्ट स्लेंडर स्टेम्स, इनकी स्टेम्स इनके तने मुलायम होते हैं। ये हमेशा ग्रीन होती हैं, ऑलवेज ग्रीन, ठीक है। वेरी स्मॉल प्लांट्स, नाम से पता चल रहा है कि ये छोटे प्लांट्स हैं, बहुत छोटे प्लांट्स हैं, इसलिए क्या इनका साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ये सीजन वाइज होते हैं, ये एक साल में इनका एक साल में एक ही सीज़न आता है। सॉफ्ट स्लेंडर स्टेम्स, इनकी जो स्टेम्स होते हैं वो छोटी और सॉरी बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनकी स्टेम्स सॉफ्ट होती हैं, ऑलवेज ग्रीन। ये जो प्लांट्स हैं ना वेरी स्मॉल प्लांट्स मतलब हर्ब्स, ये हमेशा ग्रीन होती हैं, हमेशा हरी रहती हैं। अब देखो हमने यहाँ बात की वन सीज़न की हमने बात की ना, तो इसका मतलब क्या साल में इनका एक ही सीज़न आता है, तो क्या ये साल में बस एक ही बार मतलब ये ऐसे पेड़ कि साल में एक ही बार होते हैं ना, इनके अलग अलग इनके दो सीज़न होते हैं, एक सीज़न होता है इन एक को हम लोग बोलते हैं विंटर हर्ब्स, एक को बोलते हैं समर हर्ब्स। मैं यहाँ पर बताती हूँ समर हर्ब्स, ठीक है। इसका एक सीज़न इनका एक सीज़न होता है समर हर्ब्स, मीन्स यहाँ बताते हैं समर हर्ब्स, ये गर्मी मतलब हम देखते हैं बोलते हैं ना कि गर्मियों में ये सब्ज़ी नहीं मिलती, ठंडी में ये सब्ज़ी मिलती है, मतलब ठंडी में हमें साग मिलता है, गोभी मिलती है, ये सब खाने को मिलती है, गर्मी में हमें क्या भिंडी मिलती है, बैंगन मिलता है खाने को ना, तो यही होता है इनका सीज़न होता है, मतलब साल में इनका एक सीज़न आता है, एक सीज़न क्या समर हर्ब्स हो गया,
मतलब साल में एक ही सीजन आता है, समर हाउस मतलब गर्मी में गर्मी वाले हर्ब्स मिलते हैं, ठंडी में ठंडी, विंटर हर्ब्स एंड समर हर्ब्स। तो समर हर्ब्स में हमें क्या क्या मिलता है? समर हर्ब्स में लेडी फिंगर, भिंडी मिल, भिंडियाँ मिलती हैं हमें, मिंट, पुदीना, ब्रिंजल, बैंगन एट्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड इनका सीजन हो गया विंटर हर्ब्स। विंटर हर्ब्स में क्या? कॉलीफ्लावर, गोभी, गोभी खाते हो ना आप लोग ठंडी में? गोभी, हमें गोभी मिलती है। हाँ, कॉलीफ्लावर, स्पेनिज, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी, ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक, ठीक है, हमने पढ़ा क्या? वेरी स्मॉल प्लांट्स में इनके क्या, इनके साइज छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लीव ओनली वन सीजन इन ईयर, एक साल में इनका एक ही सीजन आता है। सॉफ्ट स्लेंडर स्टेम्स, इनके जो तने होती हैं वो मुलायम होती हैं, एंड दे आर ऑलवेज ग्रीन, ये हमेशा ग्रीन होती हैं। ये देखो इनके दो सीजन, क्या एक सीजन होता है ना, एक साल में एक ही सीजन आता है। तो क्या समर हर्ब्स गर्मी में जो मतलब हमें मिल जाती हैं सब्जियाँ, वो विंटर हर्ब्स ठंडी में जो हमें सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं, लेडीज फिंगर, मिंट, ब्रिंजल, ये सब हरी सब्जी है ना, हमेशा ग्रीन रहती हैं। कॉलीफ्लावर, स्पेनिश, कैबेज हमेशा ग्रीन रहती है ना, कॉलीफ्लावर, गोभी, पालक, पत्ता गोभी हमेशा ग्रीन रहती है ना। तो ये है वेरी स्मॉल प्लांट्स। हम लोगों ने तीन काइंड्स पढ़े प्लांट्स के। फर्स्ट क्या पढ़ा? बिग प्लांट्स। सेकेंड, मीडियम साइज प्लांट्स जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं, बिग प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स उन्हें हर्ब्स कहा जाता है, उनके दो सीजन होते हैं, एक साल में एक ही सीजन आता है। विंटर हर्ब्स होते हैं, समर हर्ब्स, समर हर्ब्स में हमें भिंडी, पुदीना, बैंगन, करेली, ये सब सब्जियां मिलती हैं विंटर हर्ब्स में। समर हर्ब्स में हमें भिंडी, पुदीना, बैंगन, करेली, लौकी, ये सब हमें मिलता है। और ठंडी में विंटर हर्ब्स में क्या मिलता है? गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ये सब मिलता है। अब हम लोगों को फोर्थ पढ़ना है, क्रीपर्स। इसका फोर्थ काइंड है क्रीपर्स। ठीक है, क्रीपर्स बच्चों, क्रीपर्स मीन्स होता है ना रेंगना। ये खड़े, मतलब अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। क्रीपर्स होते हैं, इनके क्या, इनके जो स्टेम्स होते हैं ना वीक होते हैं, हैव वीक स्टेम्स, वीक स्टेम्स। ठीक है, इनके जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन, ये खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन, नाम से पता चल रहा है क्रीपर से, इनकी तने कमज़ोर हैं। तो और क्या, ये क्रीपर्स में होता है रेंगना, मतलब रेंगना खड़े नहीं होना है, इस वजह से क्या ये खुद से खड़े नहीं हो पाते। इनके स्टेम्स, इनके तने क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल पम्पकिन, कद्दू, वाटरमेलन एट्सेट्रा। आप लोगों ने देखा होगा कद्दू जो हम लगाते हैं, कद्दू का पेड़, तो क्या वो खड़ा सीधा, वो पेड़ नहीं मतलब होता है ना, वो सीधा खड़ा तो नहीं रहता, ऐसे होता है कि हम लोग उसको तोड़ के ले, जैसे सारे पेड़ खड़े होते हैं, मैं आम का पेड़ होगा, ये सब जैसे नीम का पेड़, ऐसे खड़े हो, तो ऐसे ये क्रीपर्स खड़े नहीं होते हैं, इन्हें बिछाना पड़ता है। मतलब जैसे ना ये रेंगते हैं, ये चढ़ते हैं, मतलब चलते हैं, जैसे ये ज़मीन पे, इन्हें सब ज़मीन पे, ये क्या बोलते हैं, ये पूरे फैल जाते हैं ज़मीन पे। ठीक है, ज़मीन पे, धरती पे पूरे फैल जाते हैं। और क्या, इनके जो स्टेम्स मतलब बहुत वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं,
ये खुद खड़े नहीं पाते, तो ये ज़मीन पे पूरे फैल जाते हैं, जैसे कि कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, ये सब ना ज़मीन पे फैल जाते हैं, पत्तों में एकदम ढक जाते हैं, इनके इनके जो फल होते हैं ना, ये फल जो होते हैं इन पत्तों में ढक जाते हैं एकदम, मतलब ज़मीन पे ये बिछ जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं क्रीपर्स। ये और पेड़ों की तरह मतलब पेड़ इनका नहीं बन पाता, मतलब खड़े नहीं हो पाते हैं ये। ठीक, फिर लास्ट है हम लोग को पढ़ना है क्लाइंबर्स, लास्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है, ये भी खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं। दीज प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड बाय देयर ऑन देयर ओन, ये भी खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम्स, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, वीक स्टेम्स, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इन्हें सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, ये चढ़ते तो हैं लेकिन सपोर्ट से, विथ द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल देती हूँ, मनी प्लांट का पेड़ देखा है ना आप लोगों ने, क्या वो उसका पेड़ क्या वो खड़ा होता है खुद से? नहीं ना। क्या उसके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं या फिर पतले होते हैं? नहीं ना, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, क्लाइंब अप विद सम विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट देना पड़ता है चढ़ने के लिए, चढ़ते हैं मनी प्लांट ना, उन्हें सपोर्ट देना पड़ता है, किसी रस्सी से उन्हें बांध रस्सी से बांध देते हैं उन्हें हम। ठीक है, बॉटल में रखते हैं उन्हें, मतलब उनको सपोर्ट देना पड़ता है, जैसे मनी प्लांट हो गया, बॉटल गॉर्ड मनी मीन्स लौकी। ठीक है, इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें सपोर्ट देना पड़ता है, जैसे लौकी होकी है, इन्हें क्या हमें कुछ मतलब कुछ मतलब हमें सपोर्ट देना पड़ता है, किसी मतलब कुछ हम लोग नहीं बोलते हैं किसी चीज़ का सपोर्ट, मतलब रस्सी उसी का सपोर्ट देना पड़ता है, कुछ डंडे वगैरह करके उसको बांधना पड़ता है, जिससे क्या ये पेड़ क्या होता है, इनके जो पेड़ क्या होता है, चढ़ते हैं, ये खुद से खड़े नहीं पाते, ये चढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स, क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ किसी सपोर्ट से इन्हें चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्लास ये थे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से प्लांट्स थे, फर्स्ट बिग प्लांट्स मीन्स ट्रीज, उनके क्या उनके स्टेम्स क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर काफ़ी नीचे तक होती हैं। ठीक है, और वो काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था मीडियम साइज प्लांट्स मीन्स उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। मीडियम साइज प्लांट्स क्या होते हैं, जो ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, नाइदर टू टॉल नॉट टू शॉर्ट, उनकी स्टेम्स पतली होती हैं, उनके तने पतले होते हैं, वो पृथ्वी के अंदर काफ़ी नीचे तक नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़, गुलाब का पेड़ हो गया, गुड़हल का पेड़ हो गया, ठीक है आदि। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स को क्या कहा जाता है, हर्ब्स। हर्ब्स मीन जड़ी बूटी, तो हम लोगों ने हर्ब्स में पढ़ा था कि उनका एक साल में एक ही सीज़न आता है, उनके वो काफ़ी उनका साइज़ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, और क्या उनकी स्टेम्स बहुत कमज़ोर होती हैं। उनके दो सीज़न के दो हर्ब्स थे ना, एक उनका एक ही सीज़न आता है, कौन सा, समर हर्ब्स विंटर हर्ब्स, दो टाइप्स के हर्ब्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हर्ब्स, समर हर्ब्स विंटर हर्ब्स। समर हर्ब्स में हमने क्या पढ़ा था, लेडीज़ फिंगर मतलब भिंडी, ब्रिंजल, मिंट, ये सब हमें मिलता है। विंटर हर्ब्स में क्या, कॉलीफ्लावर, गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ये सब हमें मिलते हैं। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा क्रीपर्स, मैंने बताया ना क्रीपर्स मतलब क्या होता है, रेंगना, क्रीपर्स मतलब होता है रेंगना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनके जो स्टेम्स होती हैं बहुत वीक होती हैं, ये खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं ये, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्लाइंबर्स, नाम से पता चल रहा है कि इन्हें क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं ये, लेकिन कैसे चढ़ते हैं, किसी के सपोर्ट से चढ़ते हैं, किसी रस्सी किसी डंडे के सपोर्ट से चढ़ते हैं, ये भी खुद से खड़े नहीं हो सकते, इनकी भी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, मनी प्लांट, बॉटल गॉर्ड मतलब लौकी, और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। ओके, थैंक यू।